राजस्थान टूरिज्म की एक टैगलाइन है, न जाने क्या दिख जाए। जी हाँ, ये राजस्थान है और यहां पर किस समय क्या दिख जाए ये किसी को नहीं पता, क्योंकि राजस्थान में चमत्कार होना आम बात है। लेकिन इस बार प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों ने ऐसा चमत्कारी आदेश जारी कर दिया है जिसको सुनकर हर कोई दंग और हैरान है। आपको बताते हैं कि राजधानी जयपुर के एक सरकारी स्कूल में एक मैडम द्वारा बच्चों से पैर दबवाने का एक वीडियो वायरल हुआ था, और इस वायरल वीडियो में उस शिक्षिका के खिलाफ शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। लेकिन जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णपाल सिंह ने एक ऐसे शिक्षक पर रिपोर्ट तैयार की है जो दिव्यांग है, और उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस दिव्यांग शिक्षक द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट की कहानी गले नहीं उतर रही है, लेकिन अब शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले में सख्त नजर आ रहे हैं। चलिए सुनाते हैं इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा। देखो, ये अजय देवंदा है जो टीचर है, L1 का है, और ये जयपुर शहर में करतारपुरा मिडिल स्कूल है उसमें कार्यरत है। ये स्वयं दृष्टिबाधित है 100%, जिसको लोग बेहतरीन भी बोलते हैं। इसके ऊपर मेरे जिला शिक्षा अधिकारी मिस्टर कृष्णपाल सिंह ने एक नोटिस दिया है, यानी आरोप पत्र दिया है। आरोप पत्र ये दिया है कि तुमने वीडियो बनाकर वायरल किया है। नेत्रहीन मेरी जानकारी के अनुसार कभी वीडियो नहीं बना सकता। वायरल तो चलो कर सकता है, वो सुन करके ऐसे कर सकता, बना नहीं सकता है। उन्होंने कहा तुमने बना कर दिया। और एक टीचर उस स्कूल में बच्चों से हाथ पैर दबाती थी, उसके इसके ऊपर ये आरोप लगाया कि आपने उसकी छवि खराब की है। तीसरा आरोप यह है कि आप अवहेलना करके, अधिकारी के आदेश की अवहेलना करके मोबाइल स्कूल में ले जा रहे हैं। नेत्रहीनों को मोबाइल ले जाने की छूट है, क्योंकि उसी से पढ़ाते हैं, ब्रेल लिपि टाइप से जो होता है उसकी गलती पढ़ाते हैं। ये DO ऐसा लगता है मनोरोगी दिखता है। जो कृष्णपाल सिंह ने, इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, और ये जो आरोप पत्र दिए इनको निरस्त करने के लिए मैंने संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग जयपुर को निर्देश दे दिए। और जो हाथ पैर दबवाती थी वो किसी एक प्रिंसिपल को लेके को इसके पास भेजा है कि तुम समझौता कर लो कि ये वीडियो फर्जी बनाया था। उस प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। क्या नाम था प्रिंसिपल? सर, ये मतलब जांच आई थी जो जयपुर पश्चिम में जो CPO अधिकारी थे उन्होंने जांच दी थी रूपरामपुरा स्कूल में। आपने सुना कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि ऐसे शिक्षा अधिकारी जो मानसिक रोगी हो सकते हैं, क्योंकि एक दिव्यांग शिक्षक पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा वीडियो बनाया गया है जो कतई ही असंभव है। वायरल करना अलग बात है, लेकिन एक दिव्यांग शिक्षक द्वारा महिला शिक्षिका के पैर दबाते हुए बच्चों का वीडियो बनाया गया है, ये जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहा गया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश शिक्षा मंत्री ने दे दिए हैं, और जल्द ही जिला शिक्षा अधिकारी की खैर नहीं के संकेत भी दिए हैं। आप देखते रहिए द नगरी मीडिया। मैं हूं ललित वर्मा।